हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर के भीतरी शहर में पुलिस ने किया रूट मार्च। लोगों ने फूल बरसाकर पुलिस जवानों का हौसला बढ़ाया। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लगाए लॉकडाउन व कर्फ्यू की पालना पूरी तरह से करने के उद्देश्य से शुक्रवार सुबह पुलिस ने जोधपुर शहर के भीतरी भाग में रूट मार्च किया। रूट मार्च के दौरान लोगों ने पुलिस पर फूल बरसाकर और ताली थाली बजाकर स्वागत व सम्मान किया। डीसीपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि शुक्रवार को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक शहर के भीतरी भाग में रूट मार्च किया गया। कुछ लोग अब भी कोरोना वायरस जैसी घातक बीमारी को समझ नहीं पा रहे हैं, बेवजह घर से बाहर आ रहे हैं। ऐसे में कुछ जगहों पर नाके बढ़ाने के साथ ही नफरी भी बढ़ाई है, साथ ही रूट मार्च कर उन्हें घर में रहने की अपील कर रहे हैं। शुक्रवार सुबह अतिरिक्त पुलिस उप आयुक्त डॉक्टर तेजपाल सिंह के नेतृत्व में खांडा फलसा से स्टेडियम चौकी तक रूट मार्च निकाला गया। रूट मार्च में कई सहायक पुलिस आयुक्त, संबंधित थाना अधिकारी में जाप्ता हाड़ी रानी, आरएसी और होमगार्ड के जवान साथ थे। इस दौरान लोगों ने घरों की छतों व बालकनी से पुष्प वर्षा कर पुलिस जवानों का हौसला बढ़ाया। बता दें कि शहर में लॉकडाउन की पालना को लेकर लोगों से बार बार अपील की जा रही है। ऐसी परिस्थितियों में पुलिस अहम रोल अदा कर रही है। पुलिस लगातार लोगों से अपने घरों में रहने की अपील कर रही है। पुलिस लोगों को भयमुक्त होकर घरों में रहने का संदेश दे रही है। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।